हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वादे के मुताबिक आपका दोस्त कपिल हाजिर है आपके अपने चैनल क्रिएटिव अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था अपने इंट्रो वीडियो में कि मैं आपसे बातें करूंगा आर्ट की, कल्चर की, ड्रामा की, म्यूजिक की, मूवी रिव्यूज की, तो आज वो दिन आ गया है कि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना शुरू करूंगा एक्टिंग की। जितनी भी बातें होंगी वो अलग अलग वीडियोज उसके लिए होंगे। तो ये जो पहला वीडियो है मेरा, वो एक्टिंग का पहला लेसन है। जो लोग एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल क्रिएटिव अड्डा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, उसे शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच सकें। जो बातें आप धीरे धीरे करके लाइफ में सीखते हैं, मैं इन सब को आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। तो जो लोग एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं वो पहले अपने दिमाग से, अपने दिल से ये पूछें कि वो एक्टिंग की फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। क्या वो उन्होंने किसी हीरो को देखा है, किसी जो लड़कियां आना चाहती हैं वो किसी हीरोइंस को देखकर प्रभावित हैं इसलिए आना चाहती हैं, या उनकी अपने अंदर की आवाज़ है, बचपन से ही उनको शौक था। मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी को देख कर आप एक्टिंग की फील्ड में आने की मत सोचिएगा, क्योंकि जितनी आसान ये फील्ड लगती है उतनी आसान ये फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो जो जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार हैं, नवाजुद्दीन साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, इन सबको इतना लंबा स्ट्रगल ना करना होता और वो बड़ी आसानी से चार लाइनें बोल के एक्टर बन जाते। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है अगर आपको एक्टर बनना है तो। और स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे अगर आप अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शक्ल के बल पर रोल तो पा जाते हैं, या डायरेक्ट मुंबई चले जाते हैं, या जहाँ पे भी जो काम हो रहा है वहाँ पे पा जाते हैं, लेकिन उनकी पारी बहुत लंबी नहीं चलती है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप टू स्टेप कैसे चलना है। इसलिए आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा ताकि सबको ये बात पता चल सके। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी थिएटर से, यानी कि रंगमंच से। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ड्रामा क्या होता है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? भाई, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मंच पे जो एक्टिंग हो रही है वो ड्रामा है। जी बिल्कुल, वो ड्रामा है। लेकिन जब किसी स्टोरी को विभिन्न चरित्रों के माध्यम से, यानी कि डिफरेंट कैरेक्टर के माध्यम से प्रेजेंट किया जाता है, तो वो ड्रामा होता है, चाहे वो मंच पे हो, टीवी में हो या फिल्म में हो। तो ये होती है ड्रामा की डेफिनेशन। इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए दिमाग में कि जब किसी स्टोरी को विभिन्न चरित्रों के माध्यम से मंच पर, टीवी पर या फिल्म में प्रस्तुत किया जाता है तो वो कहलाता है ड्रामा। तो हमें अपनी शुरुआत थिएटर से इसलिए करनी है क्योंकि थिएटर ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम विभिन्न चरित्रों को बिना किसी रिटेक के मंच पर प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारी जो क्षमता होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारी बोलने की जो क्षमता होती है, हमारे जो डायलॉग्स होते हैं उनमें क्लियरिटी आती जाती है, हम तरह तरह के प्रोनाउंसिएशन, जो सही उच्चारण है उनको सीखते जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ता है। तो इसके लिए हमें अपनी शुरुआत सबसे पहले ड्रामा से करनी होगी। ड्रामा, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो किसी को जानते नहीं, हम कैसे ड्रामा ज्वाइन करेंगे? तो इसके लिए आप कर ये सकते हैं कि आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पे कई सारे नाटक होते होंगे, ऑडिटोरियम होंगे, या अगर आप गांव में रहते हैं तो आसपास के जो शहर हैं वहाँ पे नाटक होते होंगे, तो आप उन ऑडिटोरियम्स में जाइए जिस दिन नाटक हो, उस नाटक को अच्छे से देखिए। नाटक खत्म होने के बाद जब वहाँ के कलाकार फ्री होते हैं या वो डायरेक्टर फ्री होते हैं, उनके पास जाइए और उनको बताइए कि आप सीरियसली ड्रामा ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बस यहीं से आपकी शुरुआत हो जाएगी। वो आपको टाइम देंगे, मौका देंगे और आपसे बोलेंगे कि आप पहले आइए, हमारी रिहर्सल देखिए, बैठ के सीखिए, तब आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि जो ड्रामा के स्टेजेस होते हैं वो कितने तरीके के स्टेज होते हैं जिन पर ड्रामा होता है। तो जो पहला स्टेज होता है वो होता है प्रोसीनियम स्टेज, जिसमें हम ज़्यादातर अपने नाटक करते हैं, जो बंद ऑडिटोरियम होता है। और उसके बाद दूसरा होता है थ्रस्ट थिएटर, जो कि तीन तरफ से घिरा होता है। उसके अलावा ओपन एयर स्टेज भी होता है। उसके अलावा बहुत सारे स्टेज होते हैं, जैसे जैक नाइफ स्टेज, रिवॉल्विंग स्टेज, हैंगिंग स्टेज, इस तरीके के बहुत सारे स्टेज होते हैं। और नाटक भी कई तरीके का होता है। जो नाटक होता है वो भी पारसी शैली में नाटक होते हैं, उसके अलावा नेचुरल पैटर्न पे नाटक होते हैं, कॉमेडी नाटक होते हैं।
तो दोस्तों इतने तरीके के ड्रामास होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो स्टेज होता है उसमें तीन विंग्स होते हैं, इसलिए स्टेज तीन इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड होता है। स्टेज के नौ पार्ट्स होते हैं। जो तीन लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं डाउन स्टेज, फिर उसके बाद सेंटर स्टेज, फिर अप स्टेज। फिर उसके बाद वो तीनों लाइनें आपस में डिवाइड होती हैं, यानी कि अप स्टेज तीन भाग में डिवाइड होता है, सेंटर स्टेज तीन भाग में डिवाइड होता है, डाउन स्टेज वो तीन एक्टिंग भाग एरिया में होता डिवाइड है होता और है। किस सीन को किस भाग में करना चाहिए इसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जैसे सेंटर स्टेज होता है वो स्ट्रॉन्ग सीन्स के लिए होता है, अप स्टेज होता है उसमें हम किसी भी तरीके का सेट लगाते हैं या फिर राजा का महल दिखा सकते हैं। अप स्टेज राइट और अप स्टेज लेफ्ट जो होता है वो कमज़ोर अगर आप बने हैं या कोई वीक मूवमेंट है उसके लिए होता है। इसी के साथ जो डाउन स्टेज होता है वो सूत्रधार के लिए होता है या हमें पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन करना है उसके लिए होता है। तो ये जो पार्ट्स हैं उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों ये तो थी आज थिएटर स्टेज और उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी। अगला जो सेशन मैं करूँगा, अगला जो लेसन लेकर मैं आऊँगा उसमें और भी बातें करेंगे हम एक दूसरे से। फिलहाल आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ताकि आपको जो अगला वीडियो मैं बनाऊं वो भी आपको मिल जाए। और इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं अगला जो लेसन होगा उसमें मैं एक्टिंग की बात करूंगा कि एक्टिंग क्या है, इस फील्ड में कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तब तक के लिए अपने दोस्त कपिल को दीजिए इजाज़त।